नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पी और ई के बीच में रिलेशन निकाला था, यानी कि प्रेशर और जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके बीच में रिलेशन निकाला था, मेन काइनेटिक एनर्जी थी। तो इसके अंदर हम कुछ जो टर्म है वो मान लेते हैं। मान लीजिए कोई आप एक वॉल्यूम मान लेते हैं, कोई भी एक कंटेनर हम मान लेते हैं, फिलहाल 1 ग्राम मोल ले लेते हैं किसी भी आइडियल गैस के। तो इसके अंदर हमने क्या कर लिया, 1 ग्राम मोल ले लिया, 1 ग्राम मोल इसके किसी भी गैस के, इस जो कंटेनर है इसके अंदर हमने ले लिया 1 ग्राम मोल किसी भी आइडियल गैस के, जो कि वी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं और टी टेम्परेचर पर। तो वी जो होगी वॉल्यूम ऑफ द गैस हो गई और टी हो गया टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब हम मान लेते हैं कि जो स्मॉल एम है वो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, यानी कि जैसे हमने कितने सारे मॉलिक्यूल लिए, तो एक मॉलिक्यूल का अगर हम मास लें यहाँ पे, जो स्मॉल एम हम ले लेते हैं जो ईच मॉलिक्यूल का मास है, और जो कैपिटल एम होगा वो हमारा टोटल मास होगा गैस का। तो टोटल मास ऑफ गैस जो है हम किस तरह से निकालेंगे, ये जो टोटल मास ऑफ गैस होता है हमारा, जो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है इनटू Na। Na क्या है यहाँ पर, ये है एवोगैड्रो नंबर, ये क्या है एवोगैड्रो नंबर है, और इसके जो संख्या है वो भी हमें पता है, यानी कि जो ईच मॉलिक्यूल का मास है उसको एवोगैड्रो नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ गैस आ जाएगा। क्योंकि जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस थी उन्होंने बताया था कि जो 1 ग्राम ऑफ मोल है वो कितनी क्वांटिटी के बराबर होते हैं, तो वो हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं कि कितनी जो लीटर गैस है और कितने उसके अंदर मोल्स होते हैं, या फिर कितने ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो चीज। तो ईच मॉलिक्यूल का मास m है तो उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मास जो है वो गैस का आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो c है हमारी वो RMS वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल की, यानी कि रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, जो यानी कि एक हमने रूट मीन स्केयर वेलोसिटी मान ली, जो पिछले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब P मान लेते हैं कि जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एन आइडियल गैस है, जो कि ये प्रेशर जो है इस जो कंटेनर की वाल के ऊपर लगा रही है, अगर उसे स्ट्राइक करते हैं टोटल मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो वो भी हम देख चुके हैं पहले। तो अब जो है अब हम निकालते हैं कि जो हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है वो क्या होगा। तो पहले तो जो हमारा एक्सप्रेशन है प्रेशर का वो क्या था, हमारा प्रेशर का एक्सप्रेशन था हमारा 1/3 ρc² इसके बराबर था। अब यहाँ पर आप जो है रो को, इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये क्या होता है m/v c², यानी कि मास बाय वॉल्यूम रो की जगह आप लिख सकते हैं। रो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब ये जो v है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि pv, ये v जो है उस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या रह गया 1/3 mc² रह गया। तो pv जो है, यानी कि ये जो v है उस तरफ मल्टीप्लाई होगा p के साथ और 1/3 mc² रह गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन आई है PV इसके बराबर आई है। अब अगर हम परफेक्ट गैस इक्वेशन की बात करें, अगर 1 ग्राम मोल की बात करें, तो वो क्या होती है हमारी PV इक्वल टू RT के बराबर होगी, क्योंकि 1 ग्राम मोल हमने ली है, म्यू की वैल्यू 1 हो गई, PV इक्वल टू RT आप सीधा लिख सकते हैं। P प्रेशर, V वॉल्यूम, R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस के लिए और T टेम्परेचर, ये सारी चीजें, तो PV इक्वल टू RT हो गया। अब PV की वैल्यू आपके पास क्या आई, ये आई 1/3 mc², तो यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/3 mc² इस PV की जगह, तो ये इसके बराबर आ गया, यानी कि RT के बराबर, PV की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू, तो 1/3 mc² इक्वल टू RT आ गया। अब यहाँ पे हमें पिछले जो इक्वेशन है उसका सहारा लेना है, यानी कि जो पीछे हमने इक्वेशन निकाली थी वो निकाली थी जो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में थी, P इक्वल टू 2/3 E के बराबर होता है, ये निकाली थी हमने। और जो हमारा E होता है, अगर हम E की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है 1/2 ρc², ये होता है, यानी कि मेन काइनेटिक एनर्जी होती है, ये भी हम निकाल चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर जैसे हमने इस रो को ओपन किया था m/v लिख कर, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा m/v c², और V उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आप क्या लिख सकते हैं, जो EV है वो आपका आ जाएगा 1/2 mc², यानी कि EV की वैल्यू आप 1/2 mv² लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो PV की वैल्यू है हमने 1/3 mc² लिखी और RT लिखी। अब यहाँ पर जो हमारा P है 2/3 E के बराबर है, इस इक्वेशन से हमने देखा, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं
तो वैल्यू पुट करके हम देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। हमने क्या लिया, पीवी इक्वल टू आर टी लिया, जैसे कि हमने ये देखा पीवी इक्वल टू आर टी है। अब देखिए पी के साथ वी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2/3 ई है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 2/3 ई इंटू वी। पी की जगह आपने 2/3 ई लिख दिया और ये किसके बराबर है, आर टी के बराबर है। अब ई वी की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास हाफ एम सी स्क्वायर आई, यानी कि 2/3 अगर आप इसको लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2/3 इंटू ई वी की वैल्यू हाफ एम सी स्क्वायर, हाफ एम सी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, यानी कि पी वी की जगह आपने ये लिख दिया, ई वी की जगह आपने ये लिख दिया, तो ये जो है आपकी पूरी वैल्यू आ गई इक्वल टू आर टी के बराबर है, आर टी के बराबर है। ये हमने पी वी इक्वल टू आर टी की ही इस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है। अब देखिए यहां से अगर आप 1/2 एम सी स्क्वायर निकालते हैं, 1/2 एम सी स्क्वायर इस चीज की वैल्यू को निकालते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तो 3/2 आर टी के बराबर हो जाएगा। अगर सिंपल टर्म में ऐसे निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारा 1/2 एम सी स्क्वायर है वो 3/2 आर टी के बराबर हो जाएगा। यहां से आप ये भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक तो हमने ये निकाली 1/3 एम सी स्क्वायर इक्वल टू आर टी, और 1/2 एम सी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर टी ये निकाल सकते हैं, या फिर ये इक्वेशन आपकी आ गई, यहां से भी आप इसको निकाल सकते थे, जैसे कि यहाँ पे क्या है एम सी स्क्वायर आप लिख लें, 3 उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 आर टी हो गया। अब दोनों तरफ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, तो यही इक्वेशन हमें देखने को मिलती है, हाफ एम सी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर टी, यानी कि हाफ एम सी स्क्वायर सीधा जो है हमारा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हमने निकाली थी, ये देखिए हाफ एम सी स्क्वायर जो है वो 3/2 आर टी के बराबर आप यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, पी इक्वल टू आर टी का पी की वैल्यू ये पुट करके किसी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, तो ये जो है आपको वैल्यू मिलेगी, तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसके बराबर 3/2 आर टी के बराबर हमें मिलेगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अब ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा टोटल मास है वो किसके बराबर है, m इंटू एन ए के बराबर है, तो m की जगह हम m इंटू एन ए लिख देंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर था, ये 3/2 आर टी के बराबर था, ये था, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जो हमारा गैस कॉन्स्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, वो हमारा किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो आप जो है यहाँ पर एन ए की जगह, अगर हम एन ए की जगह जो है पुट क्या कर सकते हैं, या आर की जगह पुट क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन से हम ले सकते हैं, यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं हाफ एम सी स्क्वायर, ये एन ए इस तरफ ले जाइए, यानी कि 3/2 ये एन ए इसके नीचे आ जाएगा, आर बाय एन ए आ जाएगा टी। अब यानी कि यहां से के बी जो है वो किसके बराबर आ जाता है, के बी आर बाय एन ए के बराबर आ जाता है, इसके बराबर इस रिलेशन से। तो यहां पर जो है आर बाय एन ए को आप क्या लिख देंगे, के बी लिख देंगे, यानी कि के बी क्या है हमारा बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, के बी इंटू टी आ गया, और ये क्या आ गया हमारा हाफ एम सी स्क्वायर। तो यहां से ये रिलेशन हमें मिली 3/2 के बी टी के बराबर, ये हमें मिला। अब यहाँ पर जो के बी है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, अब ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो कि हम बात कर रहे हैं पर मोलिक्यूल गैस की, वो किसके बराबर आई हमारे, इसके बराबर आई, या कहें कि डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है, अगर हम यहाँ पर देखें एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के है, यानी कि इस टी के है, और यहाँ पर इसके अलावा प्रेशर, वॉल्यूम और नेचर ऑफ जो आइडियल गैस है, इस तरह से किसी पर भी ये डिपेंड नहीं करती, यानी कि सीधा जो है जो टेम्परेचर के ऊपर जो है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल है उसके बिल्कुल, यानी कि जितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। हमें पता है अगर आप मॉलिक्यूल को टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो उसके अंदर जो है एनर्जी आ जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट जो है उसकी बढ़ जाती है। और जो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो जो है मास ऑफ द मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड नहीं कर रही, तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए इतनी सारी चीजें जो है इस रिलेशन से हमें पता चलती है कि ये मास पर डिपेंड नहीं कर रही, प्रेशर पे नहीं, वॉल्यूम पे नहीं, नेचर ऑफ आइडियल गैस पे नहीं, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। और बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट जो है, ये जो सारी चीज है, ये तो एक कॉन्स्टेंट ही है 3/2, और के बी क्या है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, तो सिर्फ ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से इस रिलेशन को आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।